अच्छा, मैंने जाने से पहले सवाल किया था पिछले सेगमेंट में कि आपके घर में कौन सी ऐसी डिश है जो हफ्ते में एक दफा तो बनती है। अब जैसे लाइक मेरे घर में इकबाला को जब जान छुड़ानी होती है ना जल्दी, तो वो डब्बे का निहारी मसाला लेके झटझट निहारी बना देती है। अच्छा, वो बच्चे खा भी लेते हाँ। तो मैं उनको कहती हूँ आज आपकी सुस्ती का दिन है, क्योंकि उसमें ना प्याज काट मतलब डलते हैं कुछ भी नहीं, कुछ हाँ। टमाटर फिर तो मसाला लिया, गोश्त भून और निहारी कर दी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो मेरे घर में कुक है बाबर, स्टीफन बाबर, वो पैकेट का मसाला यूज नहीं करता हाँ। चाहे बिरयानी बनानी हो चाहे निहारी बनानी हो, फायदा क्या कुक का अगर पैकेट के मसालों पर जिंदगी गुजारनी है। तो एक खर्चा तो मेरा ये भी बच गया। वो कहता है बाजी मुझे मजा नहीं आता, वो एक टिपिकल टेस्ट आता रहता है, मेरा टेस्ट नहीं होता वो हाँ। तो वो बजिद होता है कि मैं खुद मसाले बनाऊं। कोई ना, बच्चे कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि कोरमा कढ़ाई सब चीजें एक जैसी लग रही है मसाले की वजह से, डब्बे की मसाला से होता है। तो लेकिन हमारे घर में जैसे एक जमाने में लजानिया अगर बच्चों को पसंद आता है तो हर हफ्ते जी लजानिया बन रहा है। अच्छा, जो डेली डिश की बात पूछी ना, एवरी वीक हाँ, लाजिम बनती है हाँ, तो लजानिया से मुझे याद है हमारे यहाँ व्हाइट पास्ता जरूर बनता है। व्हाइट पास्ता वो बच्चे को पसंद, वो अलमीर को पसंद, अलमीर को। हालांकि कल कहने लगा पास्ता देख के कि दिस इज माय लीस्ट फेवरेट डिश। ओह, ज्यादा खाली हो गए। हाँ, ज्यादा ओवर हो गए ना बिल्कुल। मैंने कहा अल्लाह मियाँ का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपको आप ट्रे लगा के आपके सामने रख दी है हाँ। जाके आप देखते हो ना स्कूल से जब आते हो या जाते हो तो कैसे बैंग कर रहे होते हैं बच्चे हाँ। उनके पास खाना नहीं होता, वो खाना मांगते हैं, वो कहते हम कहीं खड़े खाना खा रहे हो तो कहते हैं बाजी हमें भी एक बन कबाब दिला दो। क्यों? क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। ओ अल्लाह मियाँ आई एम सो सॉरी, मैंने लीस्ट फेवरेट बोल दिया। ओ अल्लाह मियाँ प्लीज आई एम सो सॉरी। वाकई तो मैंने कहा आप सॉरी बोले हाँ। कि खाना मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह मियाँ। अच्छा भाई, आपके यहाँ क्या हर हफ्ते क्या डिश ऐसी मिल रही है तुमको? हर हफ्ते नहीं, सुबह शाम क्या बन सकता है? क्या? बिरयानी। मुझे पता था बाप बेटी, मेरे बाप बेटी की फेवरेट तरीन चीज है कि मतलब उसे 30 दिन खिलाओ तो वो 30 दिन मुंह बनाए बगैर खाएगा। बस उसमें गोल बोटियां और आलू होने चाहिए भैया। गोल बोटियां? बोटी हड्डी के साथ पसंद नहीं है। अच्छा, तो बोटी सॉलिड होनी चाहिए। हाँ, बोनलेस। वो तुम अगर कभी ऐसा हो भी तो मैं उसको बनाते हैं, कहते हैं भाई ये बात सुने आपको ये होता है ना कि टेस्ट आ गया हड्डी का, अब इसको निकाल लें। अच्छा हाँ, मुझे नहीं पसंद। तो वो ये होता है किसी भी चीज में मैं हड्डी वाला गोश्त यूज ही नहीं कर पाती। या करूँ तो वो फिर मैं अपनी साइड पे रख लेती हूँ उनको वो हाँ सॉलिड चीज। आपके घर में क्या है भाई हर हफ्ते? घर गर्मियों में भिंडी जरूर बनती है। एवरीबडी सेम यार, सेम यार। मेरे बच्चे वाहिद एक सब्जी है जो बड़े शौक से खाते हैं हाँ, शैगी वो खाता है भिंडी, और जो बड़े वाला है नुमान हाँ, वो करेले कीमा बहुत शौक से खाता है। अच्छा, अगेन बिरयानी ऑल टाइम फेवरेट। वंस अ वीक तो जरूर हम, या एक वीक हम बिरयानी बनाते हैं हाँ, एक वीक फिर मैं पुलाव बनाती हूँ। ओके, तो ये चीजें तो डेफिनेटली बनती है। ओके, और फहीमा तुम्हारे घर? हमारे घर में हफ्तावार हाँ, हफ्तावार चिकन आलू का सालन और चावल। अरे जरूर, हमारे तो जैसे जमाने चेंज होते रहते हैं। एक जमाने में चिकन आलू बनता था, घुटाला बना के खाते थे, रोटी उसमें डाल के तोड़ के, वो जरूर बनता है। या फिर कड़ी चावल। कड़ी चावल, ठीक है। सबके घर का अपना एक अलग निजाम, एक तरीका।